सदा सुहागन राव और जल्दी से गोद भर है। तो सलाम रॉकी भाई लिख देना। वैसे तो आज मैं घर का राजा हूँ। मैं हूँ पूरी और पनीर। आप मेरे पति देव हो, मैं क्या बोल सकती हूँ। कहाँ पर? सोमनाथ। बाय। ख्याल रखिए अपना। कोई भी चीज चाहिए हो, कोई भी चीज, तो मुझे फोन कर देना। सदा सुहागन राव और जल्दी से गोद भर है। इसी दिन जा रहे हैं हम। तो इसीलिए जा रहे हैं भाई जी से कहेंगे एक हमारे यहाँ जल्दी से संख्या बढ़ जाए जल्दी। नमस्ते। ठीक है मम्मू। सामान मत भूल जाना कुछ। बाय 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 बाय। एयरपोर्ट तक वीडियो ही बनाना आई थी। नहीं नहीं आपको बाय बाय कहने। चलो बाय। फोन करते रहना। बाय बाय। मामा और भाई चले गए, अब हम राज करेंगे। राज आ जाए, घर का राज हमारा है। चल अब आप खोल देंगे। कहाँ है गुची? कहाँ है पागल लग रहा है। राज गुची बहुत समझदार हो गया, उसको लग रहा है गुची आप इतने इंटेलिजेंट तो हो नहीं। क्या कर दिया उसने इंटेलिजेंट वाला काम? ब्रेकफास्ट में सब कौन खाता है भाई? तू तो बहुत हेल्दी खाना खाती थी। ये आटा नूडल्स है। हां तो खा तो चिली पनीर भी है ना, ये भी खा रहा है। ये पनीर खा रहा अंदर अंदर का। तू रेडी हो गया? जल्दी चलेंगे। हां मम्मा कुछ करो। हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपका बड़ा भाई है और आपको वो परेशान करता है तो सुनो। आज मैं बताता हूं। आप सिर्फ मौका ढूंढ रहा है। ऐसा ही है, अब ये लगा के बैठा है। मैं बस 4 मिनट का टाइम है। 4 मिनट में मेरी ले ले, कुछ टाइम नहीं है तेरे पास। बेहतर टाइम भाग मेरे पीछे। चप्पल बजा रहा है मेरे में। अगर आपको ऐसा बड़ा भाई है जो आपको बुली करता है तो ये देखो भाभी वो यहाँ ही नहीं। सॉरी बोल। क्यों सॉरी? क्यों भाई? मेरी सुबह की शुरुआत हुई है आम के साथ और अभी जब तक गर्मियाँ रहेंगी मैं आम इस बार जम के खाने वाला हूँ। पिछले कई सीजन से मैं खा नहीं रहा था, इस बार बहुत क्रेविंग हो रही है। आम है भी बहुत मीठे। आज हमारा बाबू नहाया है काफ़ी टाइम बाद और आपको ऐसी चीज़ बता दूँ जो आपको नहीं पता होगी। एक मिनट। ये आप देख रहे हो जो बोन खा रहा है ना, ये लोग पूरी रेड हो गई है इसी के खून से। बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो मुझे याद है एक बार डॉक्टर ने बताया था कि जब ये कुत्ते वो चबाते हैं ना कुछ हार्ड चीज़ तो इनके दांत से ब्लीडिंग होती है और ये अपना खून फिर पीते रहते हैं जो इनको मीठा लगता है। इनको लगता है वो मीठापन उस चीज़ में, हार्ड चीज़ में, जबकि वो उनके खून का मीठापन होता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। बहुत बचपन में बात सुनी थी, आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो। और अगर मैं सही हूँ तो सलाम रॉकी भाई लिख देना। भाई मैं रॉकी भाई हूँ। तो मैं आज जा रहा हूँ अपनी सासू माँ के पास उनके लिए एक सरप्राइज़ लेकर, जो कि आप लोगों को पता है कि मैं उनको मसाजर गिफ्ट करने वाला हूँ। उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है और मेरा पता नहीं शौक सा बन गया मसाजर गिफ्ट करने जा रहा हूँ मैं। ये मेरी लाइफ की तीसरी स्पेशल पर्सन है जिनको मसाजर गिफ्ट कर रहा हूँ। घर पर पुनीत रहने वाला। पुनीत भाई ख्याल रखिए घर का, ठीक है? बाय। वैसे पुनीत के रहने के बाद मुझे किसी और को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये तो निभा लेगा जिम्मेदारी। और किसको देनी है? किसी और को। पुनीत का ख्याल कौन रखेगा? नहीं मैं कर लूँगा। ठीक है, बहुत शरीफ है बेचारा, बहुत शरीफ। उन्हें पीछे तो पहला टास्क तो तेरा ये रहा कि इसे ही पकड़ ले अभी। भैया बस इसे ही पकड़ने का सबसे हार्ड है। वो देखो रुचि, ये किसी को टच नहीं करने देता। अब देखना मैं पकड़ू नहीं कुछ कह रहा। हाँ ट्रीट ले जा, ट्रीट ले जा, इसके अंदर ट्रीट लेके जा, तभी जाएगा भाई, ऐसे नहीं जाएगा भाई। चलो चले। ओ दहेज भी जा रहा हमारे साथ, दहेज भी जा रहा हमारे साथ। चल चल। हाय दहेज। दहेज अपने ससुराल जाऊंगा। हम लोग साउथ एवेन्यू में, हम बचपन में गोलगप्पे खाने आते थे। मेरी एक फ्रेंड थी लल्ली, वो और मैं, वो एक प्लेट खाती थी। वो 10 के 6 मिलते थे, वो एक प्लेट खाती थी और मैं 2 प्लेट। तो वो गोलगप्पे वाला मैं जो बोलती थी और 2, चकल देखता था अरे ये दूसरी प्लेट भी मांग रही है। 10 के 6 इसका मतलब ज्यादा पुरानी 10 के 6 या 8? 8 हो गया, 6 तो अब होते हैं। 8 थे हाँ। 10 के 6 तो ऑलमोस्ट सब जगह अभी भी। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताना गोलगप्पे का। तो फाइनली हम पहुंच गए। खुशबू खाने की बाहर तक आ रही है। खोलिए दरवाजा, खोलो। अरे दरवाजा खोलो भाई, डरो मत, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
तुम बाहर रहो, बाकी सब आ जाओ। क्योंकि मैं ही हूँ यहाँ पे, मैं ही खोलूंगी। क्यों कली? अरे पहन ही छूते, पहन ही छूते पागल। गुड कली, गुड। कॉम्पिटिशन निकालने का मेरा कॉम्पिटिशन एकदम। दिस इज बिजनेस। हाय माते, नमस्ते। चटनी बना दी पहले? खाने में केचू? पूरी पनीर। केचू? पूरी और पनीर। और अचार छू? अचार नहीं छू, अचार देखते हो। पनीर छू, पूरी छू, अचार छू। हाँ अचार छू। नमस्ते छू, आशीर्वाद छू। आशीर्वाद तो दो। बहुत भल से भलचू, बहुत भल दो। वाह, मेरे आने से पहले प्लेट लग चुकी है, इतना मेरा है ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे मैं राजा हूँ, राजा। वैसे आज तो मैं अपने घर पर भी राजा हूँ, क्योंकि आज मम्मी और पापा दोनों गए हुए हैं, तो आज तो वहाँ का भी राजा मैं, यहाँ का भी राजा मैं। तो इस टाइम आप महाराजा लखन से बात कर रहे हैं। ए मेरे सामने झुक के रहो थोड़ा, ठीक है? क्या छुए? अरे हाँ यार, लो पैर छू, चलिए। इन्होंने याद दिला दिया मेरे को, महाराजा लखन पधार गए। कुछ भी कली, मैं कौन हूँ? जीजू। अरे बोल राजा, मैं कौन हूँ? राजा। अरे बेटे कली पहचान गई। कली ताली, कली जब वहाँ पर आई थी तो बहुत टीवी देखती थी, अभी भी देखती है? नो। कम देखती है? कली धरा, तुझे एक टेक्निक बताता हूँ, तू पूरा टीवी देख, भर पेट टीवी देख, पूरे दिन टीवी देख, और तेरी आई साइट भी वीक नहीं होगी, पता कैसे? टीवी बंद करके देख, टीवी बंद हो और देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे। मम्मी को बहुत तेज बुखार है। क्या बुखार है? सच्ची? रुका अभी ठीक करता हूँ मैं। वो जड़ी बूटी निकालना जरा मेरी। तेरा को फीवर हो रहा है? नहीं नहीं। निकाला? अरे नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं तो। क्या ना, मैं तो हॉट हूँ। यार ओ शिट, नहीं नहीं ये तो बहुत तेज हो रहा है। नहीं नहीं अभी क्यों कर रहा है? नहीं नहीं अभी दवाई खाई है मैंने। आपका सब बहुत तेज हो रहा है आपको। यार अभी अभी कम हो गया। यार इधर अभी इधर इधर तुम चुपचाप चुपचाप खाना खाओ, मैं आ रही हूं। नहीं चुपचाप ही खाइए। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं। यार बहुत फीवर हो रहा है। हाथ नहीं हो रहा? नहीं हाथ लगा, नहीं तो हाथ लगा। अरे हां मैंने देख लिया। अरे नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हटो। अरे तेरे से नहीं खा रहा हूं। तुम जाओ। अरे खाना खाओ, खाना होना तो चाहिए। अरे बन रहा है खाना। तुम जाओ ना। अरे आप चलो फिर। नहीं नहीं मैं तो 10 पूरियां बना के आ रही हूं। अच्छा पहले खाना नहीं खाएगी? खाना तूने पहले खा लिया होगा, है ना? नो। नहीं खाया अभी तक? नो। अच्छा बोलना बिल्कुल बंद कर दिया तूने मेरे से? अब नहीं बोलती ना? नहीं बोलती है? नहीं बोलती भाई। कली तो मेरे से नाराज है। कली ने एक बार मेरे से बात नहीं की, पता है क्यों? नाराज है। तुम खा लो, खाना देखने में इतना टेस्टी है, खाने में तो टेस्टी होता ही होता है। और आज छोले बनाए और मेरी फेवरेट मटर पनीर भी बनी है। डाले 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 डाले। आ गई मेरी दिव्या बहन। मीठे में क्या है जो की किसी काम की नहीं है? डाले तो क्या दो पनीर छोले? हाँ हाँ पनीर पनीर। मीठे में क्या बनाया भैया? मीठे में यही बहुत तेज सुनती है खाने को। खाने के बाद क्या है ये? कैश्यू। कैश्यू खाओगे? कैश्यू खाना किसी का? तो अब मैं वो उपहार खोलूंगा जो अपनी सासू माँ के लिए लेकर आया। ओए पकड़ नहीं थी उसको। यार काफी भारी तो है, भारी तो बहुत है ये। सासू माँ आओ, मैंने खोल दिया। ठंडी तो हटा, ये देखो यहाँ बैठना है। हाँ इसको ऐसे ऐसे रखना है, माथे से लगाना है, ठीक है? भगवान का नाम लेना, भगवान ठीक कर दो। बैठो बैठो बैठो, लेटो अंदर लेटो, मैं वहीं लेके आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है? तो कर रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। अच्छा कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा कैसा लग रहा है? आप क्या कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अब पैर दबा रहे हैं, हथौड़े हैं। रुको रुको इसको ऑन कर दो, अटैच कर दो पहले इसमें। इसमें? अच्छा इसमें लगा दूं? हाँ। अरे रुको रुको ऐसे नहीं लगा। तो ये मैंने टाइमर लगा दिया। हाँ 30 मिनट का टाइमर लगा दिया। अरे दोनों होंगे भाई, दोनों होंगे। बैठे तो रहो भैया, क्या अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। मेरे बात आग मिच रही हो। नीतू नीतू क्यों हंस रही है? नीतू तो किसी पे बैठ सकती है। मम्मी कैसा लग रहा है? अरे होने तो तभी तो लगेगा। कैसा बस कर रहे हो? कुछ फर्क पड़ा? लगा ना अभी अभी तो हल्का हल्का हो रहा है। अभी देखो भाई ये फूल तो गए, लेकिन एक चीज से पीछे है अभी भी। किससे? किससे पीछे है? मेरी चुन्नी दे दे तू। ये किससे पीछे है अभी भी? नहीं तक ये इतना फूलने के बाद एक चीज से पीछे है, पता किससे? पेट से। पेट से। पेट अब भी सबसे ऊपर है। पेट से ऊपर कुछ नहीं है। मतलब वीडियो डालोगे या? तो डालूंगा ये थोड़ा। भलचू? ना ना सर। वीडियो भलचू? ना। भलने छोड़ो। बाते? कैसा लगा? अच्छा लग रहा। अब सही बताओ, अब कुछ फर्क पड़ा? अभी उठने तो दो मेरे को। खड़ी खड़ी तो अभी तो मैं खड़े लेट रही ना, खड़े होंगे पता लगेगा। अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी तो खींच रहा छोड़ रहा वो। खींच रहा छोड़ रहा, ठीक है। देख के मुझे तो अच्छा लग रहा है, चलो इनको रिलैक्स तो पड़ी रहा हूँ। क्या गाइस ये देखो मुझे क्या मिला है यहाँ पर, 10,000 रुपए। कौन सी कंट्री के ये?
नहीं चाइनीज नहीं है, चाइनीज तो मैं अमीर हो जाता अभी 10,000 लेके। वियतनाम के 10,000 यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हमारी मम्मी जाती हैं राष्ट्रपति के साथ दौरों पर, और वहाँ अलग अलग कंट्री की करेंसीज ले लेके आती रहती हैं, इनके पास जमा होते रहते हैं। हमें दे दिया करो यार, मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा के और खर्च कर लिया करूंगा थोड़े। ठीक है करने बैठी है, कुछ भी कुछ नहीं करे, काम खून निकाल के जाएगी। नहीं तो यार ये इतनी रात कब जाएगी काम साफ करने वाले लोग यार। मम्मी दिखाओ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा नहीं नहीं तो मान जा यार, सही में तू आज सुधार ले अपनी, एकदम साफ कान है। कह रही है दीदी, दीदी कह रही मम्मी इसको मत दिखाओ, कानों से खून निकाल के भाग जाए। बिल्कुल साफ तो कान है। ये दिव्या का निकाल के अब चले गए सीधा। ये आ गया, उसने दे दिया। हाँ जी हो गई मसाज, देना चल के दिखाओ। अरे ये रख देंगे, ये कुछ नहीं है, पहले चल के दिखाओ और बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा। कुछ फर्क पड़ा? सही है, बताओ यार। नहीं सही लग रहा है। इधर उधर आओ, सही लग रहा है। वापस हो जाएगी अभी, नहीं पढ़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बताओ क्या चीज वापस हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ा हो तो। अभी तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मसाज करी है। हाँ तो भाई करी है वो तो। पैर पे देखो निशान कैसे बन गए। ये मशीन की खासियत है कि इतनी देखो, इतनी ज्यादा डीप मसाज करती है वो। अच्छा लगा, ताली दो। देखो डांस। नीतू गाली दो। क्या गाली लिख लेके दे रही थी? नहीं भूल गई गाना। अरे तेज बोल, तेज साइलेंट कैसे हो गई? तुम मौया ऑफ करो क्योंकि गाना भूल गई है। ठीक है माता रानी, आप अब इंतजार करो हमारा और आराम करो। मैं नीतू जरा घूम के आ रहे दिल्ली में। ओके बाय, चल भाई चल। चलो मसाज करते हुए जाएंगे। एक मसाज की मशीन दे दी, दूसरी ले ली। इनको दिया, इन्होंने हमें दिया ये। इनके पास भी थी, दुबई से लेकर आई थी, ये हमने वापस ले लिया। बाय बाय। और यहाँ पर हमने भम्मू कॉल करा है। अभी मैंने भम्मू को, जब मैंने कॉल करा तो नहीं उठाया, नीतू लग रहा दो मिनट में उठा लिया। और क्या, कहाँ कहाँ हो, दर्शन करे? अभी कहाँ, अभी तक होटल पहुँचने वाले। अभी तक होटल ही नहीं पहुँची हो? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो नहीं पता था मुझे। तो हम दोनों आए थे दी चाणक्य, जो कि दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली। और जितने भी लोग, सेंट्रल नहीं साउथ दिल्ली है यार, जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर से हैं ऑलरेडी वाकिफ होंगे इस मॉल से। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए जो खाने पीने वाली जोन है वो यहाँ पर बंद थी। खाना पीने में खाना भी नहीं था, घर के लिए आम लेकर जाने थे, बट इट्स ओके। नीतू ने लिया शैनल का बैग, जो कि आप उसके मिनी व्लॉग में देख ही लोगे। नीतू इस चैनल पर जाके मिनी व्लॉग जरूर चेक करना, वो बैग कितने का है, कैसे लिया, उसके पीछे की भी बड़ी स्टोरी है भाई, तो वो भी वहाँ जाके आप जरूर देखना। क्यों नीतू, फाइनली तेरे को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब तेरा ड्रीम था ना बैग भी लेना? नहीं नहीं ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, मेरा डियोर का था। हेलो, अच्छा डियोर का था, डियोर का था। ठीक है भाई, तुम्हारा यहाँ कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है। राष्ट्रपति भवन आके तो कह सकते हैं कि अभी भी मैं यहीं रह रही हूँ? नहीं नहीं, तो कैसी फील नहीं होती अभी? नहीं नहीं ऐसी कुछ। हम घर पर आए और देख रहे क्या चल रहा है यार, नीतू बिश्रावल फेसबुक की वीडियो हमारी, ये कौन देख रहा है? कली यार, कली थैंक यू हमारे व्यूज बढ़ाने के लिए। पांच दिन से ही दिखा रही हूं। अबे तब ठीक है? हां। अब कैसा लग रहा है आपको? आराम लग रहा है। फीवर तो अभी भी लग रहा है? नहीं अब लग रहा है यार मम्मी। अरे भाई फीवर नहीं है, हॉट आई है। क्या तुम्हें हॉट हूँ? मैं हॉट हूँ, मैं गरम सो गरम। एक लड़के ने एक बार स्टेटस लिखा था कि जिंदगी में एक ही बार मुझे किसी लड़की ने हॉट बोला है, वो एक बंगाल लड़की ने मेट्रो में बोलता है हॉट। हंसगी 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 हंसगी। क्या गर्म बहुत हो रही है, अब दवाई लो सच्ची। हाँ, ले लो मुझे अभी तो। उसको नहीं हुआ ना, अभी 6 घंटे नहीं हुए ना। किसको? जो गोली खाई थी ना। अच्छा, ऐसा भी हिसाब लगा रखा है? 6 घंटे में खाएंगे। क्या कहना चाहेगी नीतू? कुछ नहीं। कुछ कहना चाहेगी? मैं कुछ कह दूँ फिर? नहीं मैं शांत हूँ। क्यों? आप मेरे पति देव हो, मैं क्या बोल सकती हूँ। नीतू और काबू में आइए, देखो आज देख रहे हो कौन सा इलाज हो गया तेरा। क्यों नीतू, इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? तुम सबसे अच्छे हो। तुम आप सबसे अच्छे हो। अरे वाह वाह वाह, मैंने कहा कंपटीशन का कैमरा अंदर कल्ले से कैमरा ले दो, उसको बैठने दो, अंदर कल्ले उसको बैठने दो ना। नहीं नहीं ओए पालन उधर आ जा, कैमरे को अंदर कल्ले कल्ले कल्ले। बाय, हम जा रहे हैं। हां तू पीटी, मैं हूं पीटी, मैं हूं। बाय बाय। लखन भी आ गया, खोलो लखन, लखन भी आ गया। हां लखन आ गया हमारे बीच। मेरी बात सुन, पीटी मैं हूं। बाय, कह रहे हम तीनों की बात है। नमस्ते। बाय, इधर भी छू। बाय बहन, बाय। इधर भी क्या? इधर भी। हां हां, बाय 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 बाय। अभी कैमरा गिर जाता ना अगर तो, सुनो किडनी बेच दे तो, तोता की जान है इसमें, मैं लेके भागूंगी एक दिन तेरा। चलो 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 चलो, कल आई ना। चलो चलो ठीक है ठीक है, बैठ जा तू। बाय बाय, ध्यान रखना अपना। ठीक है ठीक है। कीमती सुनो, अभी एक बार रात में और मशीन लगा लेना वाली।
दिव्या बहन याद से ठीक है आज भी हाँ अरे आज भी यार रात में तभी उन्हें नींद अच्छी आएगी बाय Few moments later. ठीक है नीतू मैं जा रहा हूँ हेयर कट कराने वो अभी उतार देंगे आगे ठीक है चलो मुझे पहले घर छोड़ा हूँ मेरे बाल और बियर्ड दोनों काफी हैवी हो गए पहले के मुकाबले तो बहुत शॉर्ट है लेकिन अब मैं शॉर्ट ही रखने लगा हूँ इस बार भी शॉर्ट कराऊंगा थोड़े से अच्छा लगा थोड़ा हल्का लगा इस बार आ गए घर पर और हमारे साथ कली भी आई है कली को गुची से मिलना है बहुत ही बेताब है कली गुची को देख के डरना नहीं उसको प्यार करना है बस ओके तो घर पर आ गया और मम्मी पापा कोई भी नहीं है वैसे तो आज मैं घर का राजा हूँ लेकिन मम्मी पापा का मन नहीं लगता ऐसा राजपाट कुछ नहीं चाहिए मम्मी पापा चाहिए घर इतना सुना सुना है कि घर में आ तो गया समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं हेयर कट कराने जाता हूँ और आते मैं अपने लिए दो जोड़ी ग्लव्स भी उठा लाया ये जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिए ये वो दुबई से लेकर आई थी ये भी मिनी सा मसाजर है एक मसाजर मैंने उनको दिया एक उन्होंने मुझे दिया हाय गाइस तो मैं आ गई हूँ घर से सीधा यहाँ पर और ये देख रही है साथ भी कभी क्या देख रहे हो हम साथ साथ मैं भी यही बोलती हूँ सुबह कब होगी क्योंकि मुझे रात बिल्कुल नहीं पसंद और क्या बोलना चाहोगे दोनों इन्होंने आज छोले भटूरे खाए हैं और हम अभी मजाक बना रहे थे सोनी दीदी का कि सोनी दीदी अगर छोले भटूरे खा दिए तो उनका हाथ बिल्कुल टच हो जाता है छोले भटूरे और निम्मी दीदी कुछ भी खा लेते उनको कुछ नहीं लगता कुछ नहीं लगता उनको वो वैसी की वैसी रहती है तो ऐसी बॉडी यार बहुत ब्लेस्ड रहती है जिसके वो कुछ नहीं लगता ऐसी होनी चाहिए सबके पास यार सोन दीदी बहुत बहुत क्यूट बनने की कोशिश कर रही है इस टाइम मैं हूँ मैं हूँ हमेशा से wow. मैं पैदा ही सुंदर हुई हूँ आपस में अदला बदली चलती रहती है हमारी तो मेरा हेयर कट डन हो गया है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको जरा भी फर्क नजर नहीं आ रहा होगा बहुत माइंड माइंड करा है थोड़ा सा बस फ्रेश लुक करा है तो गाइस अब सोने का टाइम हो गया है कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ लाइक जरूर कर देना कमेंट में जो भी बातें करनी हो जरूर करना हम रिप्लाई करेंगे बाय बाय आई लव यू ऑल